एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। एक इंसान आखिर कितनी बार फेल हो सकता है? 10 बार, 20 बार या 100 बार? इतनी बार फेल होने के बाद भी कोई शख्स टूटे ना, ऐसे उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। लेकिन एक ऐसे ही उदाहरण की मिसाल है KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें लगभग 1009 बार निराशा हाथ लगी, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते रहे। दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन KFC के लोगों में दिखने वाले इन बुजुर्ग का नाम कर्नल हॉर्लैंड सैंडर है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मजदूरी करके गुजारी। लेकिन पूरे 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी किस्मत ही बदल डाली? कामयाबी के सफर में इन्होंने किन किन मुश्किलों का सामना किया? हॉर्लैंड सैंडर 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से फार्म पर पैदा हुए। इनकी जिंदगी की सबसे पहली मुश्किल इनको सिर्फ महज 6 साल की उम्र में फेस करनी पड़ी, और वो मुश्किल थी इनके पिता का निधन, क्योंकि ये अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। इसी वजह से हॉर्लैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में ही अपने छोटे भाइयों को पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी थी, और सिर्फ 7 साल की उम्र में ही ये ब्रेड और वेजिटेबल्स बनाने के मास्टर बन चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया, तो हार्लैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म हाउस पर जानवरों को चारा डालने की नौकरी शुरू कर दी। हॉर्लैंड की ये अपनी लाइफ की पहली जॉब थी, और इतनी कम उम्र की वजह से उनका दिल काम पर नहीं लगता था, और इसी वजह से उन्हें इस नौकरी से निकाल दिया गया। जब हॉर्लैंड 12 साल के हुए तो उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और यहाँ से मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी शुरू हुई। हॉर्लैंड के स्टेप फादर को बच्चों का उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से हर रोज घर में झगड़ों का होना आम बात हो गई। आखिर वो दिन भी आ ही गया जब हॉर्लैंड को अपनी माँ से दूर कर दिया गया, और वो अपने छोटे भाइयों के साथ अपने एक रिश्तेदार के पास रहने लगे। हॉर्लैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर फार्म हाउस पर नौकरी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वो फार्म पर जानवरों को चारा डालते, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाते, और शाम को जो समय मिलता उसमें वो मकई छीलने की जॉब करते थे। उस समय हॉर्लैंड की उम्र मात्र 13 साल की थी, जब वो अपने इतनी बिजी शेड्यूल में सारे काम स्वयं करते थे। लेकिन उसी दौरान हॉर्लैंड पर एक और पहाड़ टूट गया, क्योंकि वो सही से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। अगले 2 सालों तक हॉर्लैंड ने फार्म हाउस पर अपनी नौकरी जारी रखी, परंतु अब खर्चे पूरे करना काफी मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से हॉर्लैंड ने US आर्मी में जाना चाहा। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज्यादा एज का होना जरूरी था। हॉर्लैंड ने कागजों में अपनी झूठी एज दिखाई और आर्मी में सोल्जर के रूप में भर्ती हो गए। आखिरकार कुछ सालों बाद उन्हें सुकून के कुछ पल नसीब हुए ही थे कि एक और मुसीबत ने दस्तक दी। आर्मी में रहने के 1 साल के बाद ही जब उनको इनकी असली एज का पता चला, तो उनको आर्मी से भी निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हॉर्लैंड 17 साल के थे, और आगे पूरे 23 सालों तक हॉर्लैंड की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। इसी दौरान इनकी शादी भी हुई,
और ऐसी कोई जॉब नहीं थी जो हॉरलैंड ने नहीं की। कभी वो कार कंडक्टर के रूप में नजर आते तो कभी फॉरमैन की नौकरी करते, इंश्योरेंस सेल्समैन, स्टीमबोट ऑपरेटर और यहाँ तक कि उन्होंने टायर बेचने का काम भी किया। कहीं वो खुद जॉब छोड़ते तो कहीं से उन्हें निकाल दिया जाता। बस यही सिलसिला जारी रहा। आखिरकार उनकी वाइफ भी उनका साथ छोड़ गई, क्योंकि वो उनकी इस जद्दोजहद से तंग आ चुकी थी। 24 साल की उम्र में यानी 1934 में हॉरलैंड की मुलाकात केंटुकी ऑयल कंपनी के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हॉरलैंड को एक गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। वैसे ही हॉरलैंड ने ये ऑफर फौरन एक्सेप्ट कर ली। शुरू में गैस स्टेशन की सेल काफी डाउन हुआ करती थी, लेकिन फिर हॉरलैंड ने वहां आने वाले कस्टमर की बहुत आवभगत शुरू कर दी। लोगों की एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 गुना ज्यादा हो गई और एक बार फिर हॉरलैंड को अपनी लाइफ में खुशियों का आगमन होता नजर आने लगा। खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में इकोनॉमी डिप्रेशन के काले बादल बढ़ा गए, जिसकी वजह से हॉरलैंड के गैस स्टेशन की सेल इतनी ज्यादा कम हो गई कि उनको गुजारा करना भी भारी पड़ा। कैंट की कंपनी ने हॉरलैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया और एक बार फिर हॉरलैंड को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। अब हॉरलैंड 40 साल के हो गए थे जब एक बार फिर वो जॉबलेस थे। सन 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हॉरलैंड का एक्सपीरियंस देखा तो उनको फिर गैस स्टेशन चलाने की ऑफर दी। ऑफर मिलते ही हॉरलैंड को अपनी डूबती हुई नैया को बचाने का मौका मिला। बिना देर किए उन्होंने ये ऑफर स्वीकार किया। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हॉरलैंड ने गैस स्टेशन की सेल बढ़ाने के लिए फिर से अपने लोगों की एक्स्ट्रा केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पर मौजूद था, इसी कारण यहाँ पर आने वाले लोगों को पर्सनल तौर पर तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाते। उस समय उन्होंने अपने पास सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखी थी जिस पर 6 लोगों की ही सिटिंग हो सकती थी। पहले वहाँ पर आने वाले लोग उनके बने हॉट कुकीज, स्टीम बीन्स आदि बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने मेन्यू में फ्राइड चिकन को भी शामिल किया। देखते ही देखते उनकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि अब उन्होंने गैस स्टेशन के साथ ही पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया जिसमें 142 लोगों की सिटिंग थी और इस रेस्टोरेंट को हॉरलैंड सैंडर कोर्ट ऑफ कैफे का नाम दिया गया। जहां पहले लोग वहां से गुजरते हुए खाना खाते थे, वहीं अब दूर दूर से लोग सैंडर कैफे का रुख करने लगे। लेकिन इसी दौरान हॉरलैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था। इसकी वजह से हॉरलैंड के रेस्टोरेंट की इमेज भी खराब हो रही थी। लेकिन इस परेशानी का उन्होंने एक हल खोज निकाला और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में फ्राई किया। और मजे की बात ये कि ये तरकीब कामयाब हो गई और अब 30 मिनट में बनने वाली चिकन 8 मिनट में ही बनने लगी। हॉरलैंड अपने काम से बेहद खुश थे और डे बाय डे अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को बेहतर और बेहतर करते जा रहे थे। लेकिन अचानक एक और परेशानी आ खड़ी हुई। 1939 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गए और एक बार फिर अमेरिका इकोनॉमी परेशानी में उलझ गया। इस परेशानी की वजह से हॉरलैंड के रेस्टोरेंट पर लोगों का आना बेहद कम हो गया था और देखते ही देखते लोगों ने बाहर निकलना ही छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए, अब हॉरलैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से 1942 में जब हॉरलैंड 52 वर्ष के थे तब उन्होंने हॉरलैंड सैंडर कैफे को ताला लगा दिया। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो हॉरलैंड ने फिर से रेस्टोरेंट खोलने का मन बनाया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसे थे। इसी वजह से उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर केंटुकी शहर के जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से एक रेस्टोरेंट खोला। हॉरलैंड की इस रेस्टोरेंट से काफी तरक्की हुई
और सन 1949 में कैंटकी के गवर्नर ने उन्हें कर्नल के उपनाम से नवाजा गया और उस दिन के बाद से उन्हें कर्नल हॉरलैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था उसके साथ कुछ कारणों से बात नहीं बनी तो कर्नल हॉरलैंड सैंडर ने उनको पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम कर लिया। दिन गुजरते रहे और उनकी फ्राइड चिकन फेमस होती चली गई। एक दिन उनको एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने की एक अच्छी ऑफर दी। वो एजेंट उनका रेस्टोरेंट $1,64,000 में खरीदना चाहता था और वो उन्हें काफी समय तक ऑफर देता रहा, लेकिन हॉरलैंड सैंडर तैयार नहीं हुए। फिर उसके बाद एक नई मुसीबत आने को तैयार थी। 6 महीने के बाद गवर्नमेंट ने एक नया हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसकी वजह से यहाँ से सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो गई। अब उनके रेस्टोरेंट के सामने से ज्यादा ट्रैफिक खत्म हो चुका था जिसका असर उनकी सेल पर भी पड़ा। अब कर्नल हॉरलैंड के पास बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो एजेंट $1,64,000 दे रहा था वो अब 80,000 में भी खरीदने को तैयार नहीं था। अंत में जैसे तैसे करके $75,000 में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बेच दिया। इस समय उनकी एज 65 ईयर थी और उनके पास महज $105 के अलावा कमाने का कोई जरिया नहीं बचा था। अपनी लाइफ में नाकामयाबी देखने के बाद 65 साल की उम्र में कर्नल हॉरलैंड को एक विचार आया कि क्यों ना मैं अपनी फ्राइड चिकन रेसिपी को फ्रेंचाइजी किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को कैंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर्ड कराया। वो अपनी दूसरी वाइफ क्लोडिया के साथ मिलकर अपनी कार में एक कुकर और चिकन के साथ अमेरिका के अलग अलग रेस्टोरेंट में विजिट करने लगे और वहाँ उनको अपनी चिकन बनाकर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को उनकी चिकन पसंद आती तो वो हाथों हाथ उसके राइट्स खरीद लेते। हर एक फ्राइड चिकन पर हॉरलैंड को 4 सेंट दिए जाते थे। कर्नल हॉरलैंड ने घूम घूम कर अपनी रेसिपी का एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लिया और जहां उनकी रेसिपी सिर्फ कैंटकी में ही फेमस थी अब पूरे अमेरिका में उनकी चर्चा होने लगी। कर्नल हॉरलैंड जब 73 साल के थे तो वे 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट को अपनी फ्राइड चिकन की फ्रेंचाइजी दे चुके थे, लेकिन अब उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी थी और वो ये सब कुछ मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हॉरलैंड ने कैंटकी के KFC कॉर्पोरेशन को कैंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 million में सेल कर दिया, जो तकरीबन $1,24,00,000,000 रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में उन्होंने ये भी तय किया कि KFC के लोगो में हमेशा कर्नल हॉरलैंड की ही तस्वीर रहेगी, जिसके लिए KFC की तरफ से $6,250 की सैलरी उन्हें दी जाएगी। जिस पैसे को पाने में उन्होंने अपने बचपन से लेकर पूरी जिंदगी मुसीबतों और परेशानियों के साथ जद्दोजहद करते निकाली, वो मिला तो जरूर लेकिन उम्र के अंतिम पड़ाव में। आखिरकार पैसे ने भी उनकी कोशिशों के सामने हार मानी। कर्नल हॉरलैंड सैंडर की लाइफ हमें ये बताती है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिशों को बार बार करते रहना चाहिए, बार बार, हजार बार।